योग योगेश, तो आज का जो सत्संग का विषय है कि महाराज जी फरमाते हैं कि तुम संसार में रहते हुए परमपिता परमेश्वर को अगर नहीं प्राप्त किया तो तुम आत्मघाती हो, यानी कि तुमने अपनी आत्मा के साथ आत्मा का आघात पहुंचाया, तुमने अपनी आत्मा का हत्या करा, आत्मघाती। पिछले चैप्टर में यही था। और संसार में रहकर अगर तुमने परमात्मा की प्राप्ति की और तुमने प्रयास करा, तुम आगे बढ़े, तो तुम प्रभु के कृपा पात्र के काबिल हो, कृपा पात्र के योग्य हो। तो आज इस सत्संग में महाराज जी हमें निष्काम कर्म की उपदेश करते हैं कि निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करते हुए हम भगवान को पा सकते हैं, हम गुरु को पा सकते हैं, अपनी आत्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान ने जीने के लिए हमें सब कुछ दिया, हमें अन्न दिए, वस्त्र दिए, भूषण दिए, मकान दिए, सब कुछ दिया। परंतु भगवान कहते हैं ये हमने जो तुम्हें जीने के लिए सामग्री दी इसलिए नहीं दी कि तुम इन्हीं विषय भोगों में पड़ के रह जाओ, कि तुम्हें हमने ये जो देव दुर्लभ मनुष्य चोला दिया है। कल परसों के प्रवचन में महाराज जी ने इस देह का कितना इम्पोर्टेंस बताया कि ये चोला जो तुम्हें दिया है, ये चोला इसलिए दिया कि इस चोले में आकर तुम अपनी हर पल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास रखो रहो, यानी कि हर पल तुम अचपा जप करो। और ये संसार के जो असत और सत इस बात को जानो, और संसार में क्या चीज नित है क्या अनित है उस चीज को जानते हुए नित का साथ दो। और ये जो संसार में कौन सी चीज सत है कौन सी असत है उसका ज्ञान प्राप्त करो और सत का साथ दो, सत को अडॉप्ट करो। ये सभी ज्ञान के लिए महाराज जी एक ही बात फरमाते कि सदगुरु के चरण चरण, सदगुरु के चरण चरण में आए बिना हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का जो चैप्टर बहुत ही ज्यादा रोचक है निष्काम कर्म के ऊपर, निष्काम कर्म के बारे में महाराज जी फरमाते हैं कि जो सेवक अपने मन में, जब ध्यान से सुनना, जो सेवक अपने मन में विश्वास, धैर्य और आस्था और प्रेम, चार बातें बताई महाराज जी ने, एक तो विश्वास, आस्था, धैर्य, धीरज और प्रेम के साथ सदगुरु चरणों की सेवा करता है तो उसे उसके अंदर सभी ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। आप और हमारे अंदर भी ईश्वरीय गुण आ सकते हैं अगर हम गुरुदेव की इन वचनों को प्राप्त करें, इन वचनों को ग्रहण करें, क्या गुरु चरणों की सेवा करें, और किस विश्वास के साथ, आस्था, धीरज, विश्वास और प्रेम के साथ। क्योंकि संसार एक ऐसा स्थान है जहां संसार एक ऐसा स्थान है कि जहां जैसे मालिक पेड़ लगाता है उसमें खाद डालता है, पानी डालता है और पानी डाल के उसकी सेवा करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो बीज में से क्या निकलता है, बीज का वो अंकुर फूटता है, छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, खूब बड़ा हो जाता है, फिर उसमें हजारों फल लगते हैं। तो इसलिए संत जन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। माली जब फल को सींचता है, एक बीज को सींचता है, पानी खाद आदि डालता है, तो धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ता है, फल लगता है और उसके बाद वो फल का हम सद उपयोग करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि सदगुरु चरणों में आकर उनके चरणों की जब हम निष्काम सेवा करते हैं तब हम प्रभु प्राप्ति की तरफ।
बढ़ते हैं। गुरु प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म हम कैसे करें, बहुत एक जटिल विषय है। देखो आप संसार में रहते हो, अच्छा आपके चारों तरफ संसारिक मायावी पदार्थ है। ये मायावी पदार्थ जो है आपको कभी सुख दे रही है और कभी दुख दे रही है। मायावी पदार्थों का अंत क्या है? अंत दुख है, क्योंकि हमारा मन इन मायावी पदार्थों में फंस जाता है। मायावी पदार्थों में फंसकर हम हमारे अंदर जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के फल की हम इच्छा कर लेते हैं। मैं इसके आपको बेसिक साइंस बता रही हूँ, बहुत गहराई गहरा ज्ञान है कि संसार के देखो कोई भी कर्म करो, दुनिया में आप आए हो बिना कर्म करे रह नहीं सकते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान ईश्वर ने अर्जुन को जब सांख्य योग का ज्ञान दिया, सांख्य दूसरा अध्याय में सांख्य योग का ज्ञान पाकर अर्जुन कहते किशन मैं तो कर्म नहीं करता। कृष्ण कहते अरे कर्म नहीं करता, संसार में आया क्यों नहीं करेगा? कहते मैं कर्म बंधन पर जाऊंगा। फिर नहीं कर्म करेगा तू तो बंधन में भी नहीं फंसेगा। वो कहते मधुसूदन ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे हो सकता है। कहते कर्म को कर, परंतु भगवान ज्ञान देते हैं कि कर्मों की फल की इच्छा मत कर। कहते फल की इच्छा करते ही वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात कहते हैं कि इस कर्म को करते हुए आसक्ति मत रख, क्योंकि तो देखो आप किसी चीज के लिए अटैचमेंट रखते हो ना, आसक्ति रखते हो, मोह रखते हो, तो वो चीज जब आपके हाथ से बिछुड़ जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है। जब कोई भी चीज के लिए आप अटैच होते हो, मिल जाती है तो बड़ा सुख होता है, और बिछुड़ जाती है तो बड़ा दुख होता है। ये सुख दुख क्यों होता है? ये सुख दुख का जो कारण है ये हमारे अंदर की अटैचमेंट, आसक्ति। कोई भी कर्म, भगवान कहते हैं बेटा कोई भी कर्म कर, तो कर्म करते हुए एक तो आसक्ति मत रख, तू फल की इच्छा रखेगा तो तेरा मन जो है ना वो अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब तक एक कर्म कर सके उसका तेरे को फल ना मिले तब तक तू एक तो अस्थिर रहेगा, तेरा मन विचलित रहेगा। कहते जो मन विचलित है वो मन भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्राप्त कर ही नहीं सकता भगवान को। महाराज जी कहते हैं फरमाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके मन की जो बिखेर है, जो आपके मन की चित्तवृत्तियों की जो व्यापकता है, उस व्यापकता को खत्म करना पड़ेगा। चित्तवृत्तियों को चित्त के अंदर एकदम शांत कर देना होगा, चित्त के अंदर समाहित कर देना होगा, तभी आपकी अंदर की जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, जो मन की जो अस्थिरता है, और फल कर्म फल के लिए पाने के लिए जो आपका मन अस्थिर हो गया वो अस्थिरता तभी खत्म होगी। और देखो अगर आप कर्म फल की इच्छा के साथ कोई कर्म करते हो, मैं सारे कर्म के ऊपर बता रही हूँ आज, आप इच्छा करते हो तो जब तक आपका कर्म फल प्राप्त नहीं होता तब तक आप चिंता तो रहते हो, कर्म फल मिल गया अब सुखी हो गए, कर्म फल नहीं मिला दुखी हो गए, अरे यार मैंने इतना कर्म करा, इतना मैंने इतनी मैंने प्रयास किया और इसका फल तो कुछ मिला नहीं, लोग क्या कहते हैं, इससे फिर निराश हो जाते हैं, निराशा हासिल होती है। बताओ जिस मन में निराशा है, दुख है, क्लेश है, अशांति है, और जिस मन की वृत्तियां बिखरी हुई है, आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मेन थे है। अगर मनुष्य जन्म लेकर हमने परमात्मा को नहीं पाया, हमने महाराज सत्स्वरूप को नहीं पाया, महाराज के उस दिव्य प्रकाश को अपने आत्मा में महसूस नहीं करा, अपनी आत्मा के साथ अगर हमने महाराज जी के दिव्य स्वरूप को अभेद नहीं किया तो हमने ये जीवन हमारा बिल्कुल व्यर्थ गया। मैं तो ये समझती हूँ कि एक एक पल मेरे उस परमेश्वर को पाने के लिए
जो मुझे एक अभेद अवस्था चाहिए, एक एक पल निकल रहा है, इतना फास्ट निकल रहा है मैं बता नहीं सकती। ये कोरोना का लॉकडाउन 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 मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा है, मुझे तो ये नॉर्मल रूटीन लाइफ लग रहा है कि भाई अगर लॉकडाउन नहीं था तभी लाइफ बिजी है, लॉकडाउन है तभी बिजी है, क्योंकि लॉकडाउन तो केवल संसारिक कर्मों के लिए है, संसारिक विषय भोगों के लिए, संसारिक कार्यों के लिए है। आप संसार में रहकर भी शरीर से तो संसारिक कार्य करो, परंतु मन से अपने परमात्मा के साथ इन चित्त की वृत्तियों को परमात्मा के साथ जोड़े रखना है। तो परमात्मा से जोड़े तो आप चाहे लॉकडाउन है या नहीं है, तो 24 घंटे आपने जोड़े रखना है। इसलिए प्रवचन में महाराज जी ने फरमाया वर्तमान के साथ रहो, अतीत तो बीत गया तो बीत गया, अतीत को सोचने का सिवा एनर्जी वेस्ट करने का और कोई फायदा नहीं। भविष्य बोला पूर्ण को बुला रहे वो, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो क्या चीज तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में वर्तमान प्रेजेंट, वर्तमान में तुम रहो। भगवान भी कहते हैं मैं तो वर्तमान में रहता हूँ, ना मैं अतीत में रहता हूँ ना भविष्य में रहता हूँ, मैं तो वर्तमान में रहता हूँ। वर्तमान में आपने क्या करना होता है, आपने हर पल अपनी चित्त की वृत्तियों को परम पिता परमेश्वर से जोड़े रखना है। कैसे जोड़ोगे, उसके लिए तार क्या है, कौन सी कनेक्टिंग वायर है, वो कनेक्टिंग वायर है हमारा नाम। नाम कहाँ चलेगा, नाम आपको चलता है प्राणों में। तो ये एक बहुत ही भगवान को पाने के लिए महाराज जी ने बहुत ही सुंदर एक ज्ञान दिया, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ठोस ज्ञान है, इस ज्ञान का कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो क्या है, प्राणों में पिछले प्रवचनों में मैंने फरमाया था कि अजप जाप करो, प्रणव मंत्र करो, प्राणों में मंत्र चलाओ, और मंत्र का चाल चलता है जो प्राणों में चलता है उसको प्रणव मंत्र कहते हैं। चाहे आप प्राणों में ईश्वर का नाम चलाओ, गुरु मंत्र चलाओ, ओम मंत्र चलाओ, दर्शन करो, ओम मंत्र चलाओ, कुछ भी चलाओ, कुछ ना कुछ प्राणों में जाप चलना चाहिए। प्राणों में जब आप जाप चलाते हो तब आपकी चित्त की वृत्तियां एक एकाग्रित हो जाती है। वो वृत्तियां कहाँ लय होती है, वो वृत्तियां आपके गुरु के स्वरूप में लय होती है। उसे क्या होता है, गुरु के लिए एक प्रेम उभरता है, श्रद्धा विश्वास आस्था उभरती है, उससे आपकी आत्मा प्रकाशित होती है, आपकी आत्मा का पावर बढ़ जाता है और आपको अनुभूत होता है कि मैं एक आत्मशक्ति हूँ। संसार में फिर किसी स्टेप में भी आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, फिर तो संसार में ऐसे जियोगे, क्योंकि आपके वृत्ति तो भगवान से लय है। कर्म कौन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, कर्म आपकी इंद्रियां कर रही है। आपने इंद्रियों को आपने जब मन को कर्मों में आसक्त नहीं रखा, आपका मन तो अनासक्त हो गया, कर्मों से अलग हो गया, मन को कहाँ रखा आपने, परमात्मा से कनेक्टेड रखा। तो आप कर्म बंधन में कहाँ फंसे, कर्म बंधन में जीव तब फंसता है जब कर्म करते हुए उस कर्म में वो अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है। माई परमात है कि कर्म जो होता है ना वो मन से होता है, कर्म फल तब मिलता है या कर्म करके इंसान सुखी या दुखी तब होता है जब कर्म करते हुए मन को उसमें आसक्त रहता है। और अगर वो कर्म नहीं भी कर रहा है, मन आसक्त है, तुम्हारे ये कहते हैं वो फिर भी कर्म बंधन में फंस जाएगा। मतलब मन का इतना जबरदस्त रोल है मानव जीवन में कि मानव कर्म करते हुए अगर उस कर्म से अपने मन को अनासक्त रखता है, निर्लिप्त उदास विरक्त, उसको उस कर्म का लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, कर्तव्य के हिसाब से कर्म करता है, तब वो कर्म फल के बंधन में नहीं फंसता, कर्म बंधन में नहीं फंसता। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी सुनाया था, क्या एग्जांपल है कि एक सौदागर वो व्यापार करता है, बहुत बढ़िया व्यापार, बंदर में पोर्ट में उसका बहुत जबरदस्त व्यापार चलता है, नाव से माल आते हैं फिर नाव से माल वो भेज देता है। तो एक उस शहर में एक बहुत सिद्ध पुरुष थे,
हमारे महाराज जी के चरणों के लेवल के जो आत्म रूप से बहुत उठे हुए थे उनको आत्म ज्ञान था। आत्म ज्ञान आपको ध्यान दिया करो, तो प्रभु जी गला रहे थे कि आत्म ज्ञान आपको भी हो सकता, मेरे को भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम समत्व योग में होंगे। समभाव, समभाव, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, जिस भाव के मालिक हमारे महाप्रभु रामलाल जी थे, मुल्केश्वर भगवान थे और सतगुरु देवीदयाल भगवान थे, जिस भाव के मालिक ये हमारे तीनों गुरु थे। मैंने बहुत वर्ष देखा, 28 वर्ष प्रभु की कृपा से मुझे चरणों में दिन रात रहने का मौका मिला। महाराज हर पल मस्त आनंद में और निर्लेप रहते थे। इतने कर्म करवाते हुए इतने शिष्यगण सुबह से लेकर सुबह 4 बजे 3 बजे महाराज जी उठते थे और हल्का सा कुछ लेकर महाराज जी का जो कार्य शुरू होता था रात के 11 साढ़े 11 बजे महाराज जी विश्राम करना, दोपहर को 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करते थे। तो इतने कर्म करते हुए महाराज जी बिल्कुल निर्लिप रहते थे, कोई अटैचमेंट नहीं। ये मैंने अंतरात्मा से महसूस करा। हमें लगता था महाराज जी मेरे से अटैच है, उसे अटैच है, उसे अटैच है, बिल्कुल नहीं थे, अंदर से निर्लिप। ये समत योगी का ये विशेष दिव्य गुण है। समत योगी, जो योगी अनासक्त कर्म करते हैं, बिना आसक्ति के कर्म करते हैं। तभी तो महाराज ने 50 साल आश्रम बनाकर ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू ले ले, सबको दे दिया। महाराज जी ने इतने करिश्मा करे जो भगवान करते हैं, पर महाराज जी को इससे कोई खुशी नहीं होती थी। कितना लॉस हो जाए कोई गमी नहीं होती थी, एकदम खुशी और गमी में मिले थे। इस प्रकार ऐसे महान गुरु की एक आत्मा, मैं वो सौदागर की बात बता रही थी कि उस शहर में आत्मज्ञान एक सिद्ध पुरुष थे, तो एक भगत उनके चरणों में आया कि महाराज जी मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप राह दिखाए। वो महाराज बड़े खुश हुए, कहते बोलो, कहते मुझे नामदान दे दो। तो नामदान ऐसा कर, वो बदर में ना कोर्ट में एक सौदागर है उसके पास चला जा, उसे नामदान ले ले। उसे कहा, अरे सौदागर जो व्यापारी है जो कर्म करता है, आप बताओ संसार के कर्म करते हुए इन कर्मों से अनासक्त कौन रह सकता है? क्योंकि हरे कर्मों में माया है, काल है, हरे कर्म में विषय है। ये माया हमें जरूर अपना प्रभाव हमारे मन पे डाले रखती है। माया भी दुनिया है, कोई भी कर्म करते हैं माया का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और माया का प्रभाव हमारे मन पे पड़ने पे हम उस कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी हो जाते हैं। इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। किसने कहा, भगवान ये माया बहुत सताती है, माया आपके भजन में बहुत विघ्न डालती है, हटाओ ना इस माया को। भगवान कहते हैं, बेटा इस संसार चलाने के लिए माया मैंने तो बनाया, माया को मैंने अपनी बराबर की शक्ति दी है। अगर कहते कहते भगवान इस माया से कैसे पार करें, कहते माया से पार करने का एक ही रास्ता है, वो क्या? कहते चित्त की वृत्तियों को मेरे में लगाए रखो, कर्म करते हुए ना उस कर्म में आसक्ति रखो, ना ये सोचो कि मैंने ये कर्म करा इस कर्म का पता नहीं क्या फल होगा, मत सोचो फल का। तो इस प्रकार वह जो जिज्ञासु था उसको गुरु ने कहा, चलाने सरदार के पास चला जा, उसे नामदान ले। तो वो खैर गुरु की आज्ञा थी, महापुरुषों की आज्ञा थी, चला गया, जाकर चुपके से बैठ गया। तो सौदागर ने कहा कि बस मेरा दिल कर गया आपकी तरफ आने का, मैं आ गया, चलो बैठो। बैठा बैठा देखता रहा
थोड़ी देर के बाद क्या आता है, उसका एक नौकर आके उस सौदागर को एक संदेश देता है, कहता महाराज जो हमारे इतने लाखों रुपये का जो माल का जो जहाज था वो जहाज डूब गया और ना लाखों रुपये का नुकसान हो गया। सौदागर सुनकर शांत, उसको कोई असर नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ, जिसे बताया मेरे को ये आंखों देखा हाल उनका। तो फिर क्या हुआ कि चलो ये बंदा हैरान हो गया, कहते इतना बड़ा लॉस हो गया, इसको कोई गमी नहीं है, क्या पता अंदर अंदर गमी होगी, ऊपर से नहीं जाहिर कर रहा होगा। वो बैठा रहा। शाम को एक और नौकर आया खबर लेके, कहते महाराज वो जो नाव जो जहाज जो डूबा है ना, वो जहाज हमारा नहीं था, वो जहाज किसी और का था, हमारा तो माल पहुंच गया पोर्ट पे। बंदे ने सोचा अब ये सौदागर जो है ना, जो माल मिल गया लॉस नहीं हुआ, फिर अभी खुश हो जाएगा। वो देखा वो भी शांत है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो जब इसने ये देखा, अरे इसका मन तो बड़ा बैलेंस है, इतना बड़ा लॉस के बारे में खबर सुन के भी शांत था और वो सामान मिल गया ये सुन के भी खुश नहीं हुआ, सम रहा। वो उसके पैर में पड़ गया, कहते आप जो है ना, आप सच्चे कर्म योगी हैं, इस संसार में कर्म कर रहे हो परंतु आपने अपने मन को आधा हुआ है। मैं आपके पास आया हूं, मुझे भी ये युक्ति सिखा दो, मैं मन को कैसे साधूं। उसने कहा तू जिन महापुरुष के पास गया था ना, वो मेरे ही गुरु है, उन्होंने ही मुझे ये गुरु मंत्र दिया और ये साधना सिखाई। बेटा कर्म करते हुए सम में रहना, लॉस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब कल मैं थोड़ा सा सुन रही थी, कल सफर में थी, संदीप बता रहा था इसकी वहां अमेरिका में जो इसकी गाड़ी थी, मेरे वैसे ही मन करा, मैंने कहा अमेरिका लोग ना बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, देखा मैं देखती हूँ प्रभु जी के बच्चे ने कैसी गाड़ी ली है, छोटी है लंबी है कि सुंदर है, वैसे कैजुअली वैसे मन कर गया। मैंने कहा संदीप गाड़ी दिखाइए जरा, दिखा दिया। अच्छा अगले दिन जैसे अचानक होना था, होनी तो बलवान है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसे मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता। थोड़े दिन बाद जैसे मैंने वैसे ही फोन कर लिया, तो कहते हैं बंदी मैं ना शोरूम में आया हूँ। मैं शोरूम में किसने आया, कहते वो जो गाड़ी देखी थी ना एक हफ्ता पहले, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया भी ये मस्त है, इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरुओं का बख्शा बच्चा है। इसने सोचा कि मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया, इसमें भी शायद कोई मेरा भलाई हो गया, और गुरु ने दिया, गुरु ने ले लिया तो कोई बात नहीं, गुरु और दे देंगे। भाई इसको कहते समर्पण भाव, जब हम सब कुछ है गुरु के चरण में छोड़ देते हैं, मैं बागडोर गुरु संभालते हैं, मत रहा जब गुरु ऊपर से सब कुछ देख रहा, मेरे बच्चे का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, इतना नुकसान हो गया, विदेश में रह रहा है और हर पल गाड़ी चाहिए। गुरु ने देखो एक हफ्ते के बाद नई गाड़ी दिला दी, और ये तो मतलब फॉरेन में जाकर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, विदेशी लोग है तो नई गाड़ी आ जाना ये क्या है, गाड़ी मिल गई। तो मैंने कहा तू शोरूम में कैसे है, कहते मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, शाम को इसने फोन करा, कहते हाँ ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसी गाड़ी मिल जाएगी, मैं चलो कोशिश कर रहा है दो चार महीने में मिल जाएगी, और फॉरेन में कौन सा इतना कुछ हमारी अप्रोच होती है कि हम प्रार्थना करें किसी को कुछ कह रहे हो अगला बंदा काम करे। शाम को कहते बहन जी मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। मैं कहा अच्छा जी मैं ले आया तू, कहते हाँ, कहते ये गाड़ी तो उसे बहुत ऊंची मॉडल की है, जैसे यहाँ है ना वो कौन सी गाड़ी बहुत टॉप मॉडल की गाड़ी, उसके बराबर की वो गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी, मतलब जो गाड़ी हमारे इंडिया में 50-60 लाख में आती है वैसी वो गाड़ी थी। तो देखो मैं तो हैरान हो गई, तो मैं क्या पैसे तो बहुत लगे होंगे, कहते नहीं नहीं थोड़े से देने हैं, वो मैंने किसे बनवा लिए, तो ये क्या चीज है। तो ऐसा मैं देखते हमारे महाराज जी के बच्चे हैं, बच्चों के जीवन में इतने उथल पुथल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं,
हमारे प्रभु जी के बच्चे व्याकुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बच्चों के अंदर भगवान के लिए बहुत जबरदस्त आशा है। आज की बात है, मुझे इसका शुभम का फोन आया, वो टीटू का लड़का जो अमेरिका में है। तो मैं कहा ठीक ठाक है? हाँ हाँ। मैं कहा कैसे याद किया? कहते बस दिल क्या बात करने को। मैं ठीक है। मैंने बहुत उसको समझाया बेटा खूब योग कर, ध्यान कर, भजन कर। कहता हाँ मैं ध्यान में बैठता हूँ 15-20 मिनट और मुझे बहुत अच्छे नज़ारे आते हैं, बड़ी शांति मिलती है। सो एंड सो उसके भाई का पिछले दिनों बैग गुम गया था। ये छोटा भाई इसके पर आ रहा था तो टैक्सी में बैग रहे, कुछ पैसे पूछे थे और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। तो मैंने कहा वो बैग मिल गया? कहते नहीं। तो क्या कहता है कि मैं कहता तूने कोई परेशानी नहीं हुई है? कहते नहीं परेशानी तो नहीं है, बस ये है कि दोबारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आज तो इंडिया में होता। तो मेहनत है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। कहते हाँ दादी कोई बहुत बड़ा संकट होगा? संकट प्रभु जी ने टाल दिया। बताओ, मतलब छोटा सा बच्चा इतना स्टेबल माइंड, इतना स्ट्रांग माइंड, उसको कोई वो नहीं हुआ। मतलब जैसे इंसान असीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो विदेश में आके इतना बड़ा लॉस हो गया। तो कहता है कि जहाँ के सिर पे ऊपर साई मार सके ना कोई, जिसके ऊपर सिर के ऊपर साई का हाथ होता है उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैंने कहा तुमने कहा नहीं उस बंदे को, टैक्सी वाले को? कहते हमने कहा, हमने कहा तू पैसे रख ले, सब कुछ रख ले, हमारा पासपोर्ट ऑनलाइन भेज दे, हमें पासपोर्ट की बड़ी दिक्कत हो रही है। वो माना ही नहीं, इसलिए नहीं माना होगा, वो डर गया होगा कि ये लोग मेरी शिकायत कर देंगे कि भाई तूने सामान रख लिया। तो सपोर्ट में गए, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, भगवान इसे भी 100 गुना तेरे को दे देंगे, कोई चिंता मत, समझ गए? कोई बहुत नॉर्मल था बच्चा। कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करेंगे कर लेंगे, इतने प्यारे। तो देखो इतने दूर माँ बाप से विदेशों में, इतने सात समुद्र पार बच्चे बैठे हुए और वहां इतनी हिम्मत, इतना मनोबल, इतना आत्मबल, ये क्या चीज है? ये सिर्फ हमारे गुरुदेव की कृपा है। तो फिर वो सौदागर ने उस बंदे को कहा कि जो महापुरुष के पास तुम गए थे मेरे ही गुरु हैं, जाओ तुम उन्हीं से नाम लो, वही तुम्हें नाम बन देंगे। शिष्य वही जो गुरु को आगे रखे चलते हैं। वो आमदान दे भी सकता था, उसने कहा नहीं, जो मेरे गुरु देंगे, गुरु तो गुरु ही, शिष्य वो है जो गुरु के आगे अपने आप को मिट्टी समझता है, मिट्टी से भी नीचे समझता है, ये अंदर आत्मा समझे तब गुरु की कृपा से बरसती है। जैसे वो सवाईग्राम में वो घटना आती है, तो मुल्कराज जी को रामलाल जी ने आज्ञा दी, बेटा ये पहलवान 17 साल से कष्ट पा रहा है, इसके चपनी में हाथ लगा दो, ये ठीक हो जाएगा। पर देखो मुल्कराज प्रभु जी की महानता देखो, उन्होंने चपनी को हाथ नहीं लगाई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहलवान को कहा उसके कर्म को काटने के लिए, कहते तू प्रभु की घटना सुना। इसको कहते जैसे गुरु शिष्य को आगे करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार शिष्य वो है जो गुरु को आगे रखते हैं, गुरु को मान सम्मान। गुरु तो परीक्षा लेते रहते हैं कि मैं देखता हूँ शिष्य को जो मैंने शक्ति दी है इसको अपनी शक्ति का कितना अभिमान है। अगर शिष्य उस परीक्षा में पास हो गया तो गुरु हमेशा के लिए शिष्य को सब कुछ बख्श देते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो गुरु देखते हैं कि देखते ही उतार चढ़ाव से, क्योंकि जैसे कुमार जब धुरी में धुरी को पकड़ रखता है और घड़ा जब बनाता है घड़ा चलता रहता है, थप्पड़ मारता है, घड़े को टूटने नहीं देता, उसी प्रकार गुरु अंतरात्मा से हमें जकड़े रखते, पकड़े रखते हैं, ऊपर से परीक्षा लेते हैं, थापनियां देते हैं, हमारे कर्मों को होने के लिए हमें कष्ट देते हैं। उस समय कष्ट के समय गुरु टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं हमारी, देता हूँ मेरा भगत का मेरे पे कितना विश्वास है, इसको कष्ट आया क्या, मेरा भगत विचलित हो गया? विचलित हो गया तो इसका मतलब इसका भी श्रद्धा अभी अधूरा है, ये कच्चा घड़ा है, गुरु फिर उसको पकाते हैं। तो ये एक हुआ मतलब अनासक्त निष्काम कर्म का ये फल है। तो निष्काम कर्म उसी को उन्हीं को माना जिस कर्म को करते हुए आप एक तो
उसी फल की इच्छा मत करो। जो मन कर्म बंधन में नहीं फंसा वही मन तो मुक्त है, वही मन तो ईश्वर को पाने के लिए सक्षम है। कर्म बंधन में फंसकर जीव जो है उन कर्मों को भुगतने के लिए 84 के चक्कर में पड़ा रहता है। ये मन है ना, मन मन के अंदर जन्मों की वासनाएं पड़ी है। मन इन वासनाओं के कारण वो मन कर्म करता है। मन जब कर्म करता है और जिन कर्म में विषय भोग है, जिन कर्म में माया है, तो उस माया विषय भोगों का प्रभाव मन पे पड़ता है, जरूर पड़ता है। इसे मन बच नहीं सकता। तो इन प्रभावों से हटने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उस जगह जाना पड़ेगा जिस जगह न काल है न माया है। वो कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है जहाँ काल है न माया है? वो स्थान है प्रभु का नाम सिमरन का स्थान। प्रभु का नाम सिमरन कहाँ चलता है? श्वासों में, प्राणों में। प्राणों में नाम सिमरन चलाओ और सदगुरु को अपने अंग संग महसूस करो। मेरा गुरु दिव्य स्वरूप में मेरे साथ है। भक्ति कभी ना डोलने दो, मन को अस्थिरता से बचाओ। भगवान हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उस कष्ट के पीछे हमारा कुछ कल्याण होता है, हमारा कुछ भला होता है। अगर कष्ट आया समझना कि हमारे पता नहीं इतने पाप कटे हो गए थे, भगवान ने कष्ट के रूप से हमारे पाप पहाड़ जैसे पाप को राइज बना दिया। जैसे बड़े बड़े संत कहते हैं कि संसार में कैसे रहो, संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल का पत्ता, कमल का फूल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कमल के फूल बहुत सुंदर है ना, तो तालाब की सुंदरता को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तालाब में कमल के बीज डाल देते हैं। बीज से कमल का फूल निकलता है, पत्ते निकलता है और कमल के जड़ है वो जमीन में होते हैं। कमल के जड़ जमीन में होता है, परंतु कमल पानी में रहता है, जीवन पानी में रहता है। पानी में रहते हुए वो पानी को अपने पास अटकने नहीं देता, इसलिए कमल का फूल बहुत ही महान कहा गया। पूजा में हम चढ़ाते हैं, बहुत पवित्र माना। माताओं ने कमल के फूल को बहुत महान बताया। कमल के फूल एग्जाम्पल बहुत देते हैं कि आजीवन उसकी जड़े पानी में रहती है। पानी के बिना सूख जाता, मुरझा जाता है, मर जाता है। पानी के बिना रह नहीं सकता। जैसे हम संसार में रहे बिना, संसार में हम आए हैं पर संसार में आकर कर्म करे बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। परंतु कमल के फूल में और हमारे जीवन में अंतर क्या है कि हम कर्मों में अटैच हो जाते हैं। संसार समुद्र में रहते हुए कर्मों में अटैच हो जाते हैं, आसक्ति रखते हैं उस कर्म के प्रति, मोह आ जाता है। तो परिवार ले लो, पति ले लो, बच्चे ले लो, पोते पोती ले लो, घर के कोई काम ले लो, सबके प्रति अटैचमेंट होती है ना। परंतु कमल का फूल जल रहते हुए पानी को अपने पत्ते को टिकने नहीं देता। जैसे हमारे महाराज जी थे, संसार में थे, हम सबसे बहुत प्रेम करते थे, पर हम लोग से अटैच नहीं थे महाराज जी, अपने भगवान में लमीन रहते थे महाराज जी। मैं खुद महसूस करा, अंतिम घड़ी में मुझे महाराज के चरण में ईश्वर को रहना का मौका मिला। महाराज की श्रुति तो प्रभु जी में लाई थी, मैं सामने खड़ी हूँ, एक पल उनको देखे बिना मैं रह नहीं सकती थी। महाराज मुझे हर पल याद बुलाते रहते थे सेवा में, चलो जयंती आओ, जयंती आओ, ये करो वो करो। परंतु एंड में मैं देखा मेरे से भी डिटैच हो गए महाराज जी, और एक दिन पहले मुझे बहाने से कड़ाल भेज दिया ताकि इसका मेरा जो कनेक्शन वो ही टूट जाए, कहते आइए मेरे आंखों से दूर रहे। अगले दिन पहुंची तो महाराज जी तो अपने कुछ और अवस्था में थे, जाने की तैयारी में थे। इंसान जाता है तो किसको याद करता है, अपने परमात्मा को। मजूर उस अवस्था में थे जब मैं अगले दिन भागी जन्म पहुंची। तो कमल का फूल पानी में रहते, जो रात होती है तो रात को वो पत्ता जो सूरज अस्त होता है तो मुरझा जाता है। दिन भर में फूल खिला रहता है, शक्ति किसे लेता है,
सूरज लेता है, सूरज की किरणों से अटैच रहता है, सूरज उठते ही वो फूल खिल जाता है, वाह मेरे भगवान आ गए, मेरे प्राण आ गए। उसी प्रकार हम जीव हो जाएंगे, हर पल हम भगवान से कनेक्टेड रहते हुए खिलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे भगवान आनंद का स्रोत है, उनके से अटैच रहते हुए हम भी क्यों ना आनंदित रहे। परंतु जिस प्रकार कमल पानी में रहते हुए पानी की बूंद को अपने पर टिकने नहीं देता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें काल और माया को अपने नजदीक, विषयों को अपने नजदीक पटक नहीं देना, उनसे दूर रहना, अनासक्त रहना, इसी को तो समस्त योग कहते हैं। योग इसी का नाम है, कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों को इतना निरोध कर लो कि चित्त वृत्तियां आपके कंट्रोल में रहे, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, एक समभाव से, इसको कहते हैं समत योग। तो भगवान किशन ने अर्जुन को समत योग के लिए ज्ञान दिया और कहते हैं समत योग कौन कहते हैं, कौन कर सकता है, कहते हैं जिनकी बुद्धि समत्व हो, जिनकी बुद्धि में न ईर्ष्या न राग न द्वेष न तेरा न मेरा, जिनकी बुद्धि सबके लिए सम हो, तो ऐसी बुद्धि वाले कभी भी विचलित नहीं होंगे, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य का मन कभी भी विचलित नहीं होगा। तो भगवान किशन ने अर्जुन को सकाम कर्म को त्याग करने का उपदेश दिया, तो बेटा तू सकाम कर्म मत कर, तू निष्काम कर्म कर, यानी कि अनासक्त अनासक्त कर्म कर, जो युद्ध क्षेत्र में तू जो युद्ध करेगा, इस युद्ध को करते हुए तू अपने रिश्तेदारों को माया के रूप से मत दे, माया को त्याग, इनको सब प्रभु की आत्माएं समझ, अपने कर्तव्य पथ में डट और अनासक्त बिना अटैचमेंट, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरे पोते हैं, ये मेरा भाई के बेटे हैं, क्या आसक्ति है, तो अनासक्त हो जा, अनासक्त होकर अपने कर्म कर, और ये मत हो इस कर्म का फल तेरे को पाप मिलेगा, बिना कि तेरी ड्यूटी है, ये क्षत्रिय की ड्यूटी है, युद्ध क्षेत्र में आकर कर्म करना, अपनी इसको ड्यूटी समझते हुए कर्म कर, आसक्ति मत रख, फिर देख तुझे एकदम मोक्ष प्राप्ति होगी, और उसके लिए अपने बुद्धि को सम रख, समत योग, समत बुद्धि वाले पुरुष के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि समत बुद्धि वाले पुरुष जो है ना, पाप और पुण्य दोनों दोनों से ही वो निर्लिप्त रहते हैं। समत बुद्धि वाले पुरुष को न पाप है न पुण्य है, तो इसीलिए अर्जुन तू समत योग के लिए चेष्टा कर, और समत योग है ना, यही तेरे कर्म बंधन को छुटाने के लिए उपाय है। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो बुद्धि के साथ ज्ञानी जन कर्म करते हैं, बुद्धि के साथ ज्ञानी जन कर्म करते हुए वो क्या करते हैं, अलकाम कर्म फल के बारे में विचार नहीं करते, कर्म फल के लिए वो आसक्त नहीं होते। जो जो बुद्धि वाले जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म करते हैं, परंतु कर्म को निष्काम भावना से करते हैं, उसकी फल की कामना नहीं करते हैं, और तभी वो सब कर्म बंधन से छूटते हुए परम पद पद अमृतमय पद को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, इस समय तेरी बुद्धि मोर की दलदल का बिल्कुल त्याग कर देगी, तब तू सुने योग और सुने सुनाए वैराग्य को प्राप्त होगा। सुने सुनाए वैराग्य का मतलब यह है कि जिन महापुरुषों ने वैराग अवस्था को प्राप्त किया, तू उसके बारे में सुन पाएगा, और सुनने के योग का अर्थ क्या है कि अर्जुन तेरे लिए जो सुने के योग है, तभी तू उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। यानी कि हे अर्जुन, संसार में अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब सब ओर से सिमट कर एक सिद्धांत यानी के परमात्मा के स्वरूप में तेरी बुद्धि स्थित हो जाएगी, तब तू समत योग को प्राप्त करेगा और
समस्त योग को प्राप्त करते ही तेरी जो प्राण है, ये जो श्रुति है, वो अपने स्थान पे स्थिर हो जाएगी। यानी कि तेरी श्रुति, तेरे प्राण, तेरी आत्मा में स्थित हो जाएगी और तेरा मन इधर से इधर उधर भटकने से रुक जाएगा। उस समय तेरा मन अस्थिर हो जाएगा और जिस समय तेरा मन अस्थिर हो जाएगा तब तेरे को समत्व योग की प्राप्ति होगी। समत्व योग का मतलब तब तेरे जीवन में सुख आएगा, तू बिल्कुल स्थिर रहेगा, सुख में सुखी नहीं होगा, दुख आएगा, दुख में तू विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार की अवस्था को मानते हुए हमें प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक प्राणियों को हमें संसार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और संसार में हम जितने पदार्थ वास्ता रखते हैं, सभी पदार्थों का असर हम पर पड़ता है और ये संसारिक पदार्थ नाशवान है, संसारिक पदार्थ अस्थिर है, संसारिक पदार्थ हमारे मन को विचलित करने वाले हैं। इसलिए संसार में हम जितने पदार्थों से वास्ता जोड़ते हैं, देखो संसार रहकर पदार्थों से वास्ता नहीं जोड़ना एक असंभव बात है। संसार में रह रहे आप किसको त्याग करोगे, कौन से कर्मों को त्याग करोगे, कौन से चीजों के साथ आप वास्ता नहीं रखोगे? सबके साथ वास्ता रखना पड़ता है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ससुर है, बहू है, पुत है, पुत, सबके साथ वास्ता रखना पड़ता है। सबके साथ वास्ता रखोगे तो उनके साथ हम जो हमारा जो व्यवहार चलता है उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। और संसारी पदार्थ क्योंकि तो माया भी है, तो माया का असर हमारे मन पे पड़ता है और माया हमारे मन को विचलित कर देती है, अस्थिर कर देती है। भगवान ने कहा कि इन सारी बातों से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें एक स्थान ढूंढना पड़ेगा। वो स्थान कौन सा स्थान है? जहाँ काल और यम नहीं आ सके, जहाँ ना काल की पहुंच और ना यम की पहुंच। वो स्थान कौन सा है? कहते हैं भगवान, कह रहे हैं माया और माया की समस्त संरचना तो ये काल यम काल के अधीन है। ये माया जो है ना, हम जितने माया में फंसेंगे, माया भी पदार्थ में फंसेंगे, उतना ही काल हमें त्रस लेगा, उतना यम हमें सताएगा। तो कह रहे यम और काल से छुटकारा, और जहां आप माया से लगाव रखोगे उतना ही आपको चिंता आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, उतने आप अशांत होगे, यमराज आपको दंड देंगे। जितना माया में फंसोगे, जो माया में फंसता है उसको यम का दंड मिलता है। और अगर आपने माया से अपने आप को हटाना है, यम के दंड से अपने आप को हटाना है, तो आपने इस मन को इधर से उधर भटकना, मन का बंद करो, मन को ऐसे स्थान पर ले जाओ जिस स्थान पर न काल कबू न व्यापे और ना माया ही वहां पहुंच पाए। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान यह क्या है कि समस्त संसार और संसार की कुल रचना जिस बाह्य रूप में दिखाई देती है, यह सब माया है, काल के साम्राज्य है। तो इस माया और काल के साम्राज्य से बचने के लिए तुम अपनी सूरति वहां लगाओ जहां सतजन सतगुरु भगवान तुम्हें उपदेश देते हैं। तो सतगुरु भगवान क्या कहते हैं तुम्हें? प्रभु कहते हैं, प्रभु का नाम जपो, सत्संग करो, अभ्यास करो और दिन प्रतिदिन अपने मन में, अपने प्राणों में अथवा जाप चलाओ कि आपका मन संसारिक विषय से हटकर केवल और केवल प्रभु चिंतन में रहे। महाराज जी क्या फरमाते थे हमें? महाराज जी फरमाते थे कि बेटा श्वास श्वास में राम जप, बिरथा श्वास ना खोए, क्या जाना श्वास का फिर आवन होए ना होए। श्वासों में आप जितना नाम जाप करोगे उतना यम और काल के दंड से आप बचे रहोगे। भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में इतनी शक्ति है कि जो जीव प्राणों में भगवान का नाम जपता है, अपने मस्तक में भगवान के स्वरूप को रखता है, अपनी बुद्धि को सम करता है, निष्काम कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, उस व्यक्ति को काल और यम उसके नजदीक नहीं आ सकती। उसके लिए सतगुरु
दान मूलम सदगुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु एकम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसके लिए सदगुरु का ध्यान करो, सदगुरु से प्रेम रखो। जो जीव सदगुरु से प्रेम रखता है उस जीव का मन विषय भोगों में नहीं फंसता। गुरु अपने प्रेम के बंधन में भक्त को बांध लेते हैं, बांधकर भक्त को विषय भोग से काल से बचाते हैं। इसलिए कहते हैं जो गुरुमुख होता है वो जब इस संसार को छोड़कर जाता है, गुरु अपनी शक्ति से उस आत्मा को सीधा परम पद के तरफ ले जाते हैं, देवलोक में ले जाते हैं, ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। परंतु हम जीते जी गुरु के वचनों का पालन तो करें, उनकी आदेश का पालन तो करें। जितने ज्ञान गुरु में देते हैं उन ज्ञान को हम मनन तो करें। जीव तो बहुत जकड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर के विषय भोग उसके हाथ में पड़े हुए हैं। उन विषय भोगों के कारण वो संसार से आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति ही दुखों का कारण है। जहां संसार के प्रति आसक्ति है वहां परमात्मा आपसे बहुत दूर है। जहां संसार की आसक्ति खत्म हुई परमात्मा आपके नजदीक है। संसार की आसक्ति कौन खत्म करता है? संसार की आसक्ति केवल गुरु प्रेम, गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान, यही आपको आपके संसार की आसक्ति को खत्म कर सकता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं आप तप करो, साधना करो, यम नियम का पालन करो, आसन करो, प्रत्येक काम करते हैं। और धारणा ध्यान समाधि की अपने आप ही आपको सिद्धि हो जाएगी। पर महाराज जी फरमाते हैं कि जब आप इस मन को आसक्ति से विषय भोगों से हटा दोगे तो ये मन एक रस हो जाएगा, ये मन सुख रूप हो जाएगा और ये मन शांत और स्थिर हो जाएगा। और आप अगर ऐसे मन को लेकर संसार में कुछ कर्म कर ही लेते हो फिर भी आप संसार में कैसे रहते हो? जैसे हमारे महापुरुष लोग रहे हैं पानी में कलम की कमल की पत्ते की तरह आप निलेप रहते हो। संत कबीर रहे, सूरदास रहे, मीरा रही, बहुत बड़े बड़े भक्त इस कलयुग के आरंभ में रहे। हमारे तीनों प्रभु जी को देखो, संसार में रहते हुए परिवार में रहते हुए वो बिल्कुल से निलेप और अनासक्त है। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि संसार में रहकर और संसार की आसक्ति से छूटना बहुत मुश्किल है, अति मुश्किल है। परंतु अगर सदगुरु का हाथ आपके सिर पर हो, गुरु की कृपा हो, तो आप इस संसार में रहकर भी अनासक्त रह सकते हैं। भगवान कहते हैं जड़ से खोदा और जितना खोदोगे तो जो कामना वासना की जो जड़े हैं इन जड़ों को आप अंदर से खोद डालो। जब जड़ों को खोद डालोगे उसके लिए आपको जड़ों को खोदने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। हमारे कहते हैं कि इसके लिए साधन बहुत है। सबसे सरल साधन क्या है? योग अध्यास और प्रभु के प्रेम, प्रभु के लगाव। जितना प्रभु के प्रति प्रीति रखोगे, लगाव रखोगे, उतने ही आपके अंदर की जो विषय रूपी गहरी जड़े हैं, जो आपके जन्म मरण का कारण है, जो आपके दुखों का कारण है, वो गहरी जड़े वो बिल्कुल नाश हो जाती हैं। और इसी प्रकार आपका मन अनासक्त हो जाता है और आपके इष्ट के प्रति आपका प्रेम अटूट हो जाता है। ये गुरुदेव का ऐसा आदेश है। ऐसा करने से जितना आप गुरु के प्रति प्रेम रखोगे, आस्था रखोगे, श्रद्धा रखोगे और गुरु के बताए हुए साधनों को करोगे, आपका मन धीरे धीरे विषय भोगों से हटता जाएगा। मन जितना विषय भोग से हट जाएगा उतना ही आप प्रभु की तरफ नजदीक बढ़ोगे और संसार में रहते हुए भी आप कमल के पत्ते की तरह आप निर्लेप रहोगे और एक दिन आपको ऐसी अवस्था की प्राप्ति होगी कि आपको ना
पाने में सुख मिलेगा और ना खोने में दुख मिलेगा, यानी कि शब्र और शुक्र दोनों आपके साथ साथ चलेंगे और आपका ये जितना चलाओगे और उतना ही आपका अभ्यास दृढ़ होता जाएगा, उतना ही आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, आपको महसूस होगा कि मेरे प्रभु मेरे अंग संग है। इसके लिए सदगुरु की चरण कमल लेना, सदगुरु के शरण रहना, गुरु की आज्ञा में चलना और उनकी आज्ञा में अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और तभी हम अपने मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, तो उसके लिए जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म के द्वारा ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु प्राप्ति में हमें तभी सफलता मिलेगी। इसे कहते हुए आज की वाणी को विराम देती हूँ और प्रभु जी से ये प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु आज के सत्संग में आप जी ने जो इतने आपको पाने के लिए जो इतने महान ज्ञान दिए, जो ज्ञान देव दुर्लभ है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो भी मनुष्य तले में आकर अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञान दिया आपने, हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्राना है। और आप कृपा करुणा आशीर्वाद से ही हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे, आपकी कृपा करुणा रहमत दया दृष्टि से ही हम हे प्रभु एक दिन आपको पाने में सक्षम हो जाएंगे। और आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, हे प्रभु जीवन शैली को ऐसा बनाना कि दिन प्रतिदिन हम आपको प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, इसी जन्म में हे प्रभु हमें आपका साक्षात्कार हो जिससे कि हमारा ये जीवन और जन्म सफल हो जाए। इन्हें कहते हुए आज सत्संग को समाप्ति देती हूँ। बोल सतगुरु भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, योगेश्वर भगवान जय हो, सत्सर सतगुरु देवदास भगवान जी जय हो।